गैस वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स ज्वाइन फार्मेसी तो यम सी थ्री यूनिट फाइव लास्ट यूनिट है हमारा यम सी थ्री का गैस तो इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे इनिशियली जो है ना हम वेरियस अप्रोचेज यूज्ड इन ड्रग डिज़ाइन ठीक है ये कम्प्लीट एक सब टॉपिक इस चैप्टर को ओके जो हमारा वेरियस अप्रोचेज यूज इन ड्रग डिज़ाइन ड्रग डिज़ाइन के लिए किन किन अप्रोचेस की ज़रूरत है ओके okay, अगर आपको परफेक्ट ड्रग चाहिए तो क्या क्या आपको से मेंटेन करना है डिज़ाइंस मतलब क्या आपको फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स मेंटेन करना है कि okay, किस तरीके से आपको ड्रग को मैनेज करना है uh, मतलब ये ड्रग हमें आगे जाके गुड उसका एफ़िकेसी दिखाएगा उन सभी के बारे में इस वेरियस अप्रोचेस यूज इन ड्रग डिज़ाइनिंग में डिस्कस करेंगे वन बाय वन देखेंगे गाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे ड्रग डिज़ाइन एंड ड्रग ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डिज़ाइन देखिए इन द पास्ट मोस्ट ड्रग्स हैव बीन डिस्कवर्ड आइदर बाय आइडेंटिफाइंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल रेमिडीज और बाय सेरनडिप्टीस डिस्कवरी मतलब ये जो ड्रग्स जो डिस्कवर होते हैं ना वो एक जो है ना इन्ग्रीडियंट से हम पता चलते हैं वो ड्रग हमको पता चलता है इन्ग्रीडियंट से एक्टिव इन्ग्रीडियंट से ठीक है बट नाउ वी नो डिसीज़ आर कंट्रोल्ड एट मोलिकुलर एंड फिजियोलॉजिकल लेवल एंड ऑल्सो शेप ऑफ द मोलिकुल एट अटोमिक लेवल इज़ वेल अंडरस्टूड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम देखिए देखिएगाइज़ ड्रग डिस्कवरी एक अपने आप में एक अजूबा है ओके okay, अभी ड्रग हमको कैसे पता चलता है ये ड्रग इसके इसके लिए इस्तेमाल होता है ये ड्रग इसके लिए, इसके लिए इस्तेमाल होता है ठीक है वो हम टेस्ट करते हैं बाय द वेज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ठीक है और फर्स्ट सबसे पहले जो है ना एनिमल्स के ऊपर ट्रीट करके देखते हैं उस ड्रग को टेस्ट करके देखते हैं अगर वहाँ वो गुड एफिकेसी दिखाता है तब जाके उसको पब्लिश करते हैं ठीक है थीके? इसी तरीके से ह्यूमन जीनोम में देख देखा जाता है ड्रग डिस्कवर देखिए सबसे पहले प्री हर्बल ड्रग्स को डिस्कवर किया गया इन ना नाइनटीन नाइनटीन उसके बाद में नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन थर्टीज़ पर विटामिन और वैक्सीस को डिस्कवर किया गया नाइनटीन फोटीज़ के अंदर एंटीबायोटिक्स को डिस्टर्ब किया गया डिस्कवर किया गया दैन नाइनटीन सेवेंटीज़ में राइज ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी यूज़ ऑफ आई मतलब बायोटेक्नोलॉजी का नॉलेज बढ़ता गया 1970 में 1960 के अंदर इथियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया गया दैन उसी तरह नाइनटीन में न्यू टेक्नोलॉजी डिस्कवरी ऑफ डी एन के अंदर कमर्शलाइजेशन ऑफ द ड्रग डिस्कवरी और कॉम्बी केमिस्ट्री जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको रोबोटिक्स ऑटोमाइजेशन 1990s के अंदर डिस्कवर किया गया नेक्स्ट गाइज ड्रग डिज़ाइन ड्रग डिज़ाइन में बी डिफाइंड एज अ एफर्ट टू डेवलप अ न्यू ड्रग बाय मोलिकुलर मॉडिफिकेशन ऑफ अ लीड कंपाउंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट्स एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ड्रग डिज़ाइन होता क्या है गाइज़ ये देखिए एक न्यू ड्रग का डेवलपमेंट होना ओके बाय मोलिकुलर मॉडिफिकेशन उसके मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करके एक न्यू ड्रग को हम डिस्कवर करते हैं ठीक है और वो ड्रग जो मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाता हो और लेस साइड इफेक्ट दिखाता हो ठीक है अब ये लीड कंपाउंड क्या होता है लीड कंपाउंड मतलब ये एक थेरेपेटिक एक्टिव ड्रग है जहाँ पर थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाता है नेक्स्ट कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस यूजुअली स्टार्ट्स विद द एनालिसिस ऑफ बाइंडिंग साइट्स इन द टारगेट प्रोटीन्स और एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स कमिंग टू एक्टिव कंपाउंड्स ड्रग डिस्कवरी देखिए गाइस ये कभी हमको पता चलता है ये ड्रग मतलब ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वाला है जब ये जाकर टारगेट प्रोटीन्स को बाइंड करता है अगर ये थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाता है उन प्रोटीन्स के ऊपर तभी तो हम मानेंगे ना ये ड्रग जो है ना मतलब ये अच्छा ड्रग है इसके एफिकेसी अच्छा है द प्रोसेस एंड्स विद द जनरेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल लीड्स सुटेबल फॉर फर्दर केमिकल सिंथेटिक वर्क अगर वो ड्रग थेरेपेटिक इफेक्ट रहा तो वो लीड ड्रग है ओके okay? अगर वो थेरेपेटिक इफेक्ट रहा तभी हम जाकर उसके बारे में फर्दर स्टडी कर सकते हैं ना अगर वो थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं दिखाता रहा मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है फार्मेसी के अंदर तो हम उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे ओके इट इज़ अ रीसेंट एंड एमर्जिंग डिसिप्लिन दैट यूजेज सेवरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स एंड रिलेटेड फील्ड्स लाइक केमिकलफो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री देखिए सेवरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स लाइक बायो टूल्स सेवरल बायो टूल्स इस्तेमाल होते हैं ड्रग डिज़ाइन के लिए डिस्कवरी के लिए सी ए डी डी कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन यूजस कंप्यूटराइज केमिस्ट्री टू डिस्कवर टोटली जो है ना ये ऑटोमेटिक है मतलब पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड रहता है गाइज मतलब हम ड्रग के स्टडी करते हैं कंप्यूटर बेस पर क्योंकि okay, उनका बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं कंप्यूटराइज बेस पर रोल ऑफ सी ए डी डी अभी रोल होता क्या है गाइस द टारगेट ऑफ कंप्यूटर एसेस्ड ड्रग डिज़ाइन इज़ नॉट टू फाइंड द आइडियल ड्रग बट टू आइडेंटिफाई एंड ऑप्टिमाइज लीड कंपाउंड्स एंड हैव सम एक्सपीरियमेंट्स लाइक सेफ्टी सेफ्टी के बारे में देखा जाएगा वो ड्रग का सेफ्टी कितना है एफिकेसी स्टेबिलिटी सॉलिबिलिटी सिंथेटिक वेबिलिटी और नोवेलिटी इन सभी पैरामीटर्स को देखा जाएगा रोल ऑफ सी ए डी डी में ओके okay? तभी जाके ड्रग को डिस्कवर कर सकेंगे ना देन ड्रग डिज़ाइनिंग अप्रोचेस लिगान बेस्ड अप्रोच टारगेट बेस्ड अप्रोच डी नोवा अप्रोचेस अप्रोचेज एस बी डी टी अभी लिगैंड बेस्ड मतलब गाइज मेनली टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस है ड्रग डिजाइन के अंदर थ्रू सी ए डी डी मतलब कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिजाइन के अंदर वन इज स्ट्रक्चर बेस्ड अनदर वन इज लिगैंड बेस्ड अभी स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन के अंदर होता क्या है इन स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट प्रोटीन इज नोन एंड इंट्रैक्शन ऑफ ऑल टेस्टेड कंपाउंड कैलकुलेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डॉकिंग टू डिजाइन न्यू ड्रग मोलिक्यूल मतलब यहाँ स्ट्रक्चर मालूम रहता है ड्रग का ठीक है आसानी से हम क्या कर सकते हैं स्ट्रक्चर अगर मालूम रहा तो रिसेप्टर किस प्रकार का रिसेप्टर होगा तो हम आसानी से फाइंड कर सकेंगे ना अगर स्ट्रक्चर ड्रग का मालूम हो गया तो उस प्रकार का हम रिसेप्टर उसको ढूंढ सकेंगे जहाँ पर बाइंडिंग होगा और अच्छा एक्टिविटी दिखाएगा लिगैंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन मतलब इन ड्रग इन लिगैंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन ट्री स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट प्रोटीन इज नॉट नोन यहाँ उल्टा है स्ट्रक्चर नहीं मालूम रहेगा बट लिगैंड्स बट द नॉलेज ऑफ लिगैंड्स विच बाइंड टू द डिजायर्ड टारगेट साइट इज नोन यहाँ ड्रग का नॉलेज रहेगा वैसे ड्रग का नॉलेज जो है ना मालूम रहेगा ओके okay? ड्रग का नॉलेज रहेगा मतलब स्ट्रक्चर नहीं मालूम रहेगा दिस लिगैंडस कैन बी यूज टू डेवलप अ फार्मो कोफोर मॉडल और मॉलिक्यूल विच पोजेस ऑल नेसेसरी स्ट्रक्चरल फीचर्स फॉर बाइंड टू अ टारगेट एक्टिव साइट यह नॉलेज जो है ना ये लिगेंड्स के नॉलेज काफ़ी है मतलब एक हद तक ये काफ़ी है ड्रग को डिस्कवरी करने के लिए नेक्स्ट लीड कंपाउंड होते क्या है गैस लीड कंपाउंड ये एक्चुअली पेरेंट कंपाउंड है मतलब लीड कंपाउंड इज अ कंपाउंड हैविंग अ पार्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑप्टेनड आइदर फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक सोर्स ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ऑप्टेन करता है ओके okay? पर्टिकुलर बायोलिकल बायो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑप्टेंड मतलब लीड कंपाउंड से हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑप्टेन करते हैं वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी नेचुरल हो या सिंथेटिक सोर्स हो एग्जाम्पल पेंसिलिन जी और प्रोटोन सेल ये देखिए ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डिज़ाइन ऑफ द पेंसिलिन जी पेंसिलिन जी ये एक लीड कंपाउंड है ये क्या है हमारा एक लीड कंपाउंड मतलब इसका बायोलॉजिकल एक्टिव है ठीक है इसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते मतलब ऑप्ट ये नेचुरल सोर्स वाला है और इट इज़ नॉट एन आइडियल ड्रग ये एक आइडियल ड्रग नहीं है क्योंकि ये एसिड इंस्टेबिलिटी है नाइरो नायर, नैरो इसका माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है हाई अलर्जिक रहता है लो मेटाबॉलिक एफिकेसी है इन सभी के कारण रहने की वजह से ये नॉन आइडियल है ठीक है और देखिए पेंसिलिन जी इसको हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इतने सारे तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं इतने सारे तो इसके नॉन आइडियल कैरेक्टर्स हैं इसलिए अभी एम्फेसिलिन देखिए एडवांटेजेस ऑफ एम्फिसिन ये एसिड के अंदर स्टेबल रहता है ठीक है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है लेस एलर्जिक है ग्रेट मेटाबोली एफिकेसी है ओके अब मतलब देखिए आप इधर ही डिफरेंस कर सकते हो पेंसिलिन जी और एम्पसिलिन के बेस मतलब आप पेंसिलिन जी पेंसिलिन जी के बगैर एम्पेसिलिन यूज़ कर सकते हो मतलब एम्पसिलिन आप सब्सटीट्यूट की तरह यूज कर सकते हो पेंसिलिन जी पर पेंसिलिन जी का सब्सटीट्यूट कौन सा है एम्पेसिलिन क्योंकि एसिड स्टेबल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है मतलब एलर्जिक भी लेस है तो आपको कैसे पता चलता है ड्रग डिज़ाइन ड्रग डिस्कवरी ठीक है नेक्स्ट परपोज ऑफ़ ड्रग डिज़ाइन टू इम्प्रूव द सेलेक्टिविटी ऑफ द एक्शन टू इम्प्रूव ए डी एम ई एब्जॉपन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए एंड टू इम्प्रूव द पोटेंसी और टू रेड्यूज द टॉक्सिसिटी ओके और टू रिड्यूज द कॉस्ट ऑफ़ द बल्क प्रिपरेशन इन सभी को नजर रखते हुए हम ड्रग डिज़ाइन को डिस्कवर करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ़ द ड्रग सेलेक्टिविटी ड्रग सेलेक्टिविटी is a primary objective in the discovery and optimization of a compound on the path toward developing a drug drug selection karna ek important ek objective uh, role hai discovery can drug selectivity can be improved by modification of the chemical structure of existing drugs such as molecular changes that will increase the desired biological action relative to a side effect okay drug selectivity हम इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर्स केमिकल स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करके हम क्या कर सकते हैं गाइस उस ड्रग सेलेक्टिव को हम उसका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट इंक्रीज कर सकते हैं बाय चेंज इन द केमिकल स्ट्रक्चर ओके वही देखिए अब डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंटी एस्टेम ड्रग बाई मोलिकुलर मॉडिफिकेशन एंटी एस्टेमाइन ड्रग अब एक एंटी एस्टेम ड्रग लेके फॉर एन एग्जाम्पल देखिए हेट्रामाइन इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से ठीक है ये हाइड्रामाइन का स्ट्रक्चर है आपको अगर इससे ज़्यादा आपको अगर पोटेंसी चाहिए तो आप बस स्ट्रक्चर को चेंज कर लीजिएगा ठीक है फिर से फिर आपको एक नवा स्ट्रक्चर मिलेगा जो उसका मतलब उसका एफिकेसी गुड रहेगा गुड थेरेपेटिक रेशियो रहेगा ओके देन अगर क्लोरफिनरामाइन अगर, अगर लेंगे तो दोनों के बीच में ये लोअर थेरेपेटिक रेशियो इसका रहता है गे? देन बट हाई सेलेक्टिविटी इसी तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे स्ट्रक्चर अगर आप वेरी करेंगे तो क्या होगा ड्रग डिज़ाइन मतलब ड्रग का एफिकेसी किसी न किसी तरीके से इफेक्ट करेगा वो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है अब्जॉर्प्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ एडीएम प्रोफाइल मतलब अब्जॉर्प्शन को आप इनको इम्प्रूव कर सकते हो ड्रग डिज़ाइन के मूलक ओरल रूट इज स्टिल द ओनली कन्वीनियंट वन फॉर द ड्रग्स दैट हैव बी टू गिवन ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस देअर मच एफोर्ट हैज़ बीन डिवोटेड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ़ द ड्रग्स स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव ऑब्जॉर्बशन फ्रॉम द जी आई ट्रैक ऑब्जॉर्ब्शन एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है औरल टैबलेट्स के अंदर क्योंकि जब हम ओरल टैबलेट्स लेते हैं तो जी आई ट्रैक से ऐब्जॉर्ब होना है अगर वो ऑब्जॉर्ब होगा तभी तो इफ़ेक्ट दिखाएगा अगर ऑब्जॉर्ब नहीं होगा तो इफेक्ट कहाँ से दिखाएगा समझ रहे हो ना आप येस वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मोलिकुलर मॉडिफिकेशन लीडिंग टू औरल एक्टिव प्रिपरेशन कंसर्स द इस्ट्रोजेनिक एंड प्रोडिस्ट्रॉल स्टीरोइड्स ओके okay, यही बता देगा गाइस ओरल एक्टिव मतलब अब्जॉर्बशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा एफिक अच्छा दिखाएगा इंप्रूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोलिकुलर मॉडिफिकेशन दैट अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द ड्रग विद इन अ बॉडी कैन हैव प्रोफॉन इफेक्ट्स अपॉन इट्स फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम मोलिकुलर अल्टर करेंगे स्ट्रक्चर अल्टर करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा मतलब बढ़ भी जा सकता है घट भी सकता है मेटाबॉलिज्म स्ट्रक्चर मॉडिफाई करेंगे तो मेटाबॉलिज्म जो है ना वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तभी जाके वो ड्रग इजीली जो है ना बाहर चले जाएगा बॉडी से ओके okay? जो कुछ भी आप लेते हो मतलब ड्रग्स वो बॉडी के अंदर नहीं रहना है उसके एक्शन दिखा के तुरंत बाहर चले जाना है ओके okay? उसी को हम क्या करते हैं गुड ड्रग कहते हैं अगर वो ड्रग बॉडी के अंदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर बॉडी के अंदर रह गया तो इट लीस्ट टू सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स स्टोन्स हो सकते हैं किडनी स्टोन्स हो सकते हैं पैनकैटिस हो सकता है आपको मतलब डिफरेंट डिसीजेज़ आपको खा सकते हैं तो बॉडी के अंदर वो ड्रग जो है ना काम दिखा के तुरंत बाहर निकल जाना है वही सभी है ये इधर बस हिस्ट्री बस आपको बस याद रखना है बस इंक्रीज़ ऑफ पोटेंसी स्पेसिफिसिटी एंड रिडक्शन ऑफ द टॉक्सिसिटी मोलिकुलर मॉडिफिकेशन अगर आप मोडिफाई कर देंगे तो मोलिकुल्स का अगर मॉडिफाई कर देंगे तो क्या करेगा गाइस वो जो है ना पोटेंट ड्रग को ज़्यादा पोटेंट बनाएगा और टॉक्सीसिटी उसका कम हो जाएगी ठीक है ये आपको याद रखना एग्जाम्पल माइल्ड एनर्जिसिक्स एंड एंटी पायरेटिक एसिटेलाइड इज कन्वर्ट टू एनिलिन बाईटाइलेटाइलेशन रिजल्टिंग इन मिथोमोग्लोबीनीमिया मॉडिफिकेशन ऑफ एसिड मॉडिफिकेशन ऑफ एसिटेलाइड इन द पैरा पोजिशन बाय हाइड्रोक्सीलेशन प्रोड्यूस ए पैरासिटेमन विच इज लेस टॉक्सिक सिंपल मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं ना हम मोलिकुलर स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं सबसे पहले एसिटेलाइट था अगर उसको पैरा पोजिशन में शिफ्ट करेंगे तो पैरास्टेमोल को कन्वर्ट हो जाएगा जो कि लेस टॉक्सिक है ऐसा ही टॉक्सिसिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं मोलिकुलर चेंजेस से टू एक्सप्लाइड द साइड इफेक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग ओके द एक्शन सीन एज अनडिजायरेबल इन वन थेरापेटिक कंटेक्सट मे बिकम द प्राइमरी ड्रग एक्शन इन अनदर ओके सल्फोनाइड सीरीज वर इंट्रोड्यूस्ड एज द एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स एक्सपॉलेशन ऑफ देर साइड इफेक्ट्स हैज़ लीड टू द वुली न्यू एंड यूजफुल ड्रग्स ऑफ थ्री कैंट्स डायोबिटिक एंटी डाइबिटिक एंटी थारोड ड्रग्स कॉस्ट एंड द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ये हमको जरूरत नहीं है इस मतलब ये कॉस्ट सब कितना खर्चा होगा ये सब दिखाया है जीनीस ऑफ द ड्रग रैंडम स्क्रीनिंग ऑल अवेलेबल केमिकल सब्सटेंसेस आर

दिया जाता है फॉर एनिमल को दिया जाता है बुखार कम करने के लिए ऐसे टेस्ट के लिए दिया जाता है अगर वो किसी भी तरीके के इफेक्ट्स को दिखाता है वो टॉक्सिक इफेक्ट हो या थेरेपेटिक इफेक्ट हो तो उसको कैलकुलेट किया जाता है मतलब ऐसा रैंडम स्क्रीन किया जाता है ड्रग्स का और ये रैंडम स्क्रीनिंग ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये रिक्वायर्ड ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत रहती है और नीड्स मोर कंपाउंड्स ठीक है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज बहुत सारे ड्रग्स हम नेचुरल सोर्सेज से मतलब प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एंटी बैक्टीरियल हो दैन एंटी कैंसर ड्रग हो दैन एंटी कॉगुलेंट एंटी पैरासिटिक इमोसेप्रेसेंट एजेंट्स नेचुरल प्रोडक्ट्स आर देर डेराविटिव रिप्रेजेंट ओवर सिक्सटी परसेंट ऑफ ऑल द ड्रग्स क्लिनिकली यूज वर्ल्ड वाइड ठीक है मोलिकुलर मोडिफिकेशन मैंने अब सभी वही तो वही तो पड़ा था ना मोलिकुलर मोडिफिकेशन ओके मतलब मोलिकुलर को अगर मोडिफाई कर देंगे तो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट पोटेंस से बढ़ जाएगा टॉक्सिसिटी डिक्रीज हो जाएगा एडवांटेजेस ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंज कंजिनर्स होमोलॉक्स एनलॉक्स हैविंग द फार्मोकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द प्रोटाइप देन द कंपाउंड सेलेक्टेड और सिंथेसाइज एट रैंडम पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑप्टेनिंग फार्मोकोलॉजिकल सुपीरियर प्रोडक्ट्स मोलिकुलर मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट्स सुपीरियर मिलता है ओके प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ड्रग बिगेन मोर इकोनॉमिकल न्यू ड्रग आसानी से ढूंढ सकते हैं हम okay. ओके देन डाटा बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं डाटा गैदर्ड में हेल्प टू एलुसिडेट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप यूज ऑफ द सेम मेथड्स ऑफ बॉलोजिकल ऐसे यूज फॉर द प्रोटोटाइप ये सभी जो है ना मोलिकुलर मॉडिफिकेशन के क्या है एडवांटेज है ऑब्जेक्टिवज ऑब्जेक्टिव टू डिस्कवर द एसेंशियल फार्मोकोलॉजिकल मोइटी टू ऑप्टेन ड्रग हैविंग मोर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज देन द प्रोटाइप इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी स्पेसिफिसिटी ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ईज ऑफ अपलिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबिलिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये सभी ऑब्जेक्टिव है इस ड्रग डिस्कवरी देखिए सबसे पहले कॉम्पाउंड को कलेक्ट किया जाता है देन उसको प्राइमरी असेज मतलब उसको उसके ऊपर टेस्ट किया जाता है इन विट्रो हो या इन वीवो हो ठीक है देन सेकेंडरी असेज इन वीवो के अंदर उसके अंदर आपको एफिकेसी देखा जाता है बयो अवेलेबिलिटी ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी कितना है सिक्सटी परसेंट है या सेवेंटी परसेंट है उसको देखा जाता है नेक्स्ट कैंडिडेट ड्रग ड्रग को फर्दर प्रोसीड किया जाता है कि देन अ लीड कंपाउंड्स एंड ये सी आर मतलब उन कंपाउंड्स को लीड कंपाउंड्स के साथ कंपेयर किया जाता है ठीक है उनके यस ए आर मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमको आप पढ़ा था एम सी में अप टू फोर्थ यूनिट तक हम ये सी आर में क्या देखा है जस्ट हम स्ट्रक्चर अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा उसका मॉडिफिकेशन घटेगा या बढ़ेगा चंद ड्रग्स के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे तो मॉडिफिकेशन बढ़ भी सकता है मॉडिफिकेशन मतलब थेरापेटिक इफेक्ट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है ठीक है आप देखे होंगे पैरा पोजिशन के अंदर तो पैरा ही देना पड़ेगा अगर पैरा के बगैर आप मेटापे दे दोगे तो क्या होगा उसका जो है ना एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा ये सब तो बड़ा है ना नेक्स्ट आपको जो है ना स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन ऑफ द प्रोटीन लिगेंट कॉम्प्लेक्स देन उसको डिजाइन केमिकल सिंथेसाइज ये सभी जो है ना हम ड्रग डिस्कवरी के अंदर ये एक साइकिल है ड्रग डिस्कवरी का एक क्या है ये एक साइकिल है नेक्स्ट टारगेट सेलेक्शन डिफाइन द अनमेट मेडिकल नीड ओके मतलब किस प्रकार का डिसीज़ है उसको देखा जाएगा देन अंडरस्टैंड द मोलिकुलर mechanism ऑफ द डिसीज़ डिसीज़ किस तरीके की डिसीज़ है अभी देखिए आप फॉरन आप पैरास्टामॉल को ऐसे introduce इंट्रोड्यूस नहीं किया गया ऐसा ही डिस्कवर नहीं किया गया सबसे पहले वो पैरास्टामॉल का स्ट्रक्चर को देखा गया उससे पहले डिसीज़ कौन सी है कौन सी डिसीज़ है हाँ फीवर फीवर डिसीज़ नहीं एक सिम्टम है ठीक है मतलब आप ऐसे मान के चलिए डिसीज़ है फीवर अभी फीवर होता क्या है उसको कैसे कम किया जा सकता है कौन से हम ड्रग को दे सकते हैं ये सभी को अगर आपको पता होना है तो आप सबसे पहले आपको डिसीज़ को स्टडी करना होगा देन डिसीज़ अगर स्टडी हो गया देन आइडेंटिफाई द थेरेपेटिक टारगेट इन दैट पाथवे ओके देन की एनजाइम्स हो रिसेप्टॉर्स हो आई एच आई एन चैन हो सब कुछ देन डेमॉन्स्ट्रेट करना है दैट टारगेट इज़ रिलेवेंट टू डिसीज़ वो टारगेट जो है ना मतलब ये इक्वल है डिसीज़ के लिए रिलेवेंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना होगा देन एंटीबॉडीज कंपाउंड्स ये सभी आपको स्टडी करना है देन डिस्कवरी डेवलप एन असे टू इवेल्युएट एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स ऑन द टारगेट इन विव्रो हो या इन विट्रो हो आइडेंटिफाई नेक्स्ट उसके बाद आपको लेट कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है स्क्रीन कलेक्शन ऑफ द कंपाउंड्स देन कंपाउंड फ्रॉम पब्लिश्ड लिटरेचर स्क्रीन नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको लेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना लेड कंपाउंड मतलब जो बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता हो बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाता हो उसको आपको कलेक्ट करना होगा ओके देन स्ट्रक्चर बेस्ड डिज़ाइन स्ट्रक्चर बेस्ड डिज़ाइन मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड मतलब जिसका स्ट्रक्चर मालूम हो मालूम हो हमें स्ट्रक्चर बेस्ड डिज़ाइन जहाँ अगर स्ट्रक्चर मालूम होगा तो क्या करेंगे मतलब उसका थेरेपेटिक इफेक्ट हम जान सकेंगे ना देन ऑप्टिमाइज टू गिव अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑप्टिमाइज टू गिव ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज़ ओके कैसा ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज़ फार्माकोकाइनेटिक मेटाबॉलिज्म देन सेफ्टी असेसमेंट प्री क्लिनिकल कैंडिडेट लास्ट को जो है ना कैंडिडेट ड्रग मतलब यहाँ प्री क्लिनिकल को चले जाएगा हमारा ड्रग कैंडिडेट ड्रग ये जो है ना ड्रग ये जो है ना प्री क्लिनिकल प्री क्लिनिकल से पहले इन सभी को देखा जाता है उसके बाद में जो है ना प्री क्लिनिकल को प्रोसीड किया जाता है ड्रग को ठीक है देखिए यही फेज़ वन क्लिनिकल ट्रायल ट्रायल्स के अंदर होता क्या है इस फेज़ वन अभी ये फेज़ वन के अंदर जहाँ पर ट्वेंटी टू हंड्रेड हेल्थी वॉल्टियर्स टेक ड्रग फॉर अबाउट वन मंथ एक मंथ तक ट्वेंटी टू हंड्रेड वॉलेंटियर्स को ड्रग लेने के लिए दिया जाता है मतलब उनके वो ड्रग किस तरीके से काम कर रहा है उन डिसीज पेशेंट्स के ऊपर सब कुछ पढ़ा जाएगा उन पर साइड इफ़ेक्ट्स हालांकि ह्यूमन पर नहीं यूज़ किया जाता है ये ड्रग एनिमल्स के ऊपर देन डाटा एंट्री किया जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं सभी ओके नेक्स्ट इज फेज़ टू सेवरल हंड्रेड्स हेल्थ इम्पेयरड पेशेंट्स ट्रीटेड ग्रुप हंड्रेड्स हंड्रेड्स के ऊपर मतलब हंड्रेड टू हंड्रेड इस तरीके से हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ इम्पेड पेशेंट फेज थ्री के अंदर देखा जाएगा ओके okay? है एक ग्रुप के अंदर हंड्रेड्स टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड अप टू जो है ना थाउजेंड पीपल्स का ग्रुप चुना जाएगा उनमें जो हमारा ड्रग है ना वो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके ऊपर जो है ना स्टडी किया जाएगा ठीक है फेज़ फोर के अंदर जो है ना हम ड्रग को पास कर देंगे मतलब पास उसको अप्रूव कर देंगे समझ रहे हो ना इस ये हो गया इस हमारा टोटली आज का ड्रग डिज़ाइन के बारे में ठीक है ड्रग डिज़ाइन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप बिल्कुल बेझिझक फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू